आज हम महिलाएं बात करना चाहती हैं आजीविका मिशन की। आजीविका एक ऐसा कार्यक्रम जिसने हमें एक नई पहचान, एक नई दिशा दी। आजीविका मिशन ने हमें छोटे छोटे समूहों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित, मार्गदर्शित और प्रशिक्षित किया। शुक्रिया माननीय प्रधानमंत्री जी का हर कदम हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक तरह से गरीबों, खास करके महिलाओं की आर्थिक उन्नति का आधार बने हैं। आज आप किसी भी सेक्टर को देखें तो आपको वहां पर महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखेंगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इस योजना को सभी राज्यों में शुरू किया गया है। एक बार जो हमारी आजीविका यात्रा शुरू हुई तो देखते ही देखते गति पकड़ गई। एक एक कर महिलाएं जुड़ती गईं, समूह बढ़ते गए, अवसर मिले, आत्मविश्वास जागा, समूह की शक्ति का एहसास हुआ, आगे बढ़ने के रास्ते खुले तो लिए गए ऋण का भुगतान भी समय पर होने लगा। स्वावलंबन की राह पर आज हमारे कई नाम हैं। कहीं हम CRP हैं, कहीं बैंक सखी, कहीं पशु सखी, तो कहीं कृषि सखी हैं। आज समूह में खेती करते हुए महिला किसानों को अपनी एक नई पहचान मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अब पत्रकारिता से भी जुड़ गई हैं और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत अपने वाहन भी संचालित कर रही हैं। हाँ, स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के तहत महिलाएं कुशलता के साथ अपने उद्योग भी चला रही हैं। सरकार ने हम महिलाओं की शक्ति और क्षमता दोनों को बखूबी समझा है। नतीजा, सरकार के जन सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों में हमें भागीदार बनाया जा रहा है। समूहों की महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रही हैं। मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब प्रगति की राह पर हमारे साथी हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के साथ साथ हम भी डिजिटल हो गई हैं। सपने अब सपने नहीं रहे, साकार हो रहे हैं, ऐसे जैसे हमारे पंख लग गए हों। हम उन्मुक्त उड़ान भर रही हैं विकास के खुले गगन में।